इबादत के तसव्वुर के साथ ही लिबास का तसव्वुर भी जहन में उभरता है। आए नाज़रीन, अभी अफसोसनाक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ये भी अफसोसनाक खबर ही हम कह सकते हैं क्योंकि इस तरह के वारदात होते रहे, क्योंकि अब रमजान का माह मुबारक महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने का, इस रौनकदार महीने का, इस जो है बरकतें वाले महीने का भी लिहाज नहीं करते हैं कुछ लोग, पता नहीं क्यों। तो बहरहाल जो है मस्जिद के खादिम के ऊपर हाथ उठाया एक शख्स ने, इस तरह से कहना है मस्जिद की कमेटी वालों का। मस्जिद हाकिम मीर वजीर अली, जो कि शहर हैदराबाद की सेकेंड लार्जेस्ट मस्जिद है, यानी बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिद के पास जो है तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए बहुत ज्यादा आवाम आ रही है, यानी मुसल्ली आ रहे हैं, और मस्जिद के अतराफी एरियो में जो है अपनी टू व्हीलर फोर व्हीलर पार्क कर जो है नमाज अदा कर रहे हैं, इस बरकत वाले महीने में जो है नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस बात को लेकर एतराज हो रहा है कि हमारे घर के पास आप गाड़ी पार्क ना करें, इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होते हुए नजर आया है। तो भरा किसने जुल्म किया, क्या वजह से जुल्म किया, किसने हाथ उठाया, तमाम तफसीलात आप सुन सकते हैं मस्जिद के खादिम की जुबान। ये जुम्मे के दिन कभी भी सादे दिनों में, जुम्मे के दिन भी अगर नमाज के लिए पब्लिक ज़्यादा आती है, वहाँ पर इन्हें भजन करके रख देता, गाड़ी में हटा देता, गाड़ियाँ थोड़म बाड़ी कर देता, हटा देता, वहाँ से लगाने नहीं देता। अभी ताक रहता है, जब से नमाज का ताक रहता हूँ स्टार्ट हुआ, जब से ना लेटा बंद कर रहा, ना फर्के, ना कुछ, ना जबरदस्ती फोकस कर खोल के बैठा हुआ है। मील वज्रली, मील वज्रली चंद्रलाल बारादरी, ये जामा मस्जिद है, मक्का मस्जिद के बाद सेकंड नंबर पर मस्जिद आती है ये, और इसके लिए ताजुब की नमाज के लिए दूर दूर से आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, मल्लापल्ली, सिकंदराबाद। तो यहाँ पर थोड़ा जगह का तंगी की वजह से गाड़ियों की पार्किंग फिल्टर में लगा रहे हैं हमला, फिर भी इतना तय कर रहे थे, लेटा नहीं बंद कर रहा, पब्लिक को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था अभी मस्जिद के सामने। और आगे ये ट्रैफिक पुलिस वाला क्या कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाले को बोले तो तेरे को सस्पेंड करते रहो, मेरी पहुंच कहाँ देगा नहीं मालूम, एडी कटा है, क्या करते हैं मांगू तेरे को देख लेते हैं, बोल के पुलिस वालों को तक डकारा दे रहा है। खादिम बच्चे को मार दिया, जो मस्जिद में काम करते थे बच्चे को मार दिया, क्या नाम, मसी 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 बच्चा है, मारे साल मुझू 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 है वही वजीर अली मस्जिद के सामने एडवोकेट है, ऑफिस है, ऑफिस है, अरे घर भी वहाँ, ऑफिस भी वहीं से, हमेशा का है, एक दिन का नहीं है, ये चार साल से चल रहा है। आज तो तुम्हारी हुई, आज वो आज बच्चे को मार दिया, बच्चे को मारने की वजह से आज वो ट्रैफिक का जवान है, नाम क्या है, मुस्लिम है, शहबाज भाई से पूछ लो आप लोग, मैं झूठ बोला तो शहबाज भाई को क्या बोला उन्हें, ट्रैफिक पुलिस वालों को अभी भी उन्होंने बेचारे रात में पूरे सही रीते रह रहे हो इंतजाम में, कंप्लेंट करे साहब, अंदर चल रहा कंप्लेंट कर रहा, कमरी पूरा पीएस खाली बिली बच्चे को मार रहा है, वो झाड़ू अंदर झाड़ू लगी तो मार दिया उन्हें, पीछे झाड़ू मारे तो मार दिया, ये मगरिब में इफ्तार का कचरा उठा रहे दो। तो सफा गार्मेंट टोली चौकी अपने मौजूद ग्राहकों की खिदमत में पेश करते हैं स्पेशल ऑफर, सूफी कुर्ता पाजामा सिर्फ 750 रुपये में, एम्ब्रॉयडरी कुर्ता पाजामा 850 रुपये, मजीद बेहतरीन क्वालिटी के कुर्ता पाजामा जो आपको मिल सकते हैं 1000 रुपये तक की कीमत में, वो भी हाई क्वालिटी जो न सिर्फ आपको रमजान की इबादत के लिए काम आए बल्कि ईद पर आपकी मर्दाना वजाहत को मजीद बनाए शानदार। कुर्ता पाजामा पठानी और तोप का भी फ्रेश स्टॉक, बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी, क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं, फिर सोचना कैसा, आज ही तशरीफ लाएं सफा गार्मेंट्स टोली चौकी चौराहा नज़्द रिलीफ हॉस्पिटल हैदराबाद।